हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं अतिव्यापन, जिसे ओवरलैपिंग कहा जाता है। ओवरलैप जो शब्द है उससे स्पष्ट है कि एक के ऊपर अगर दूसरा अगर अटैच हो जाए तब उसे जो कि ओवरलैप कहा जाता है। और इस ओवरलैप को जो कि हम लोग जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हैं या कोवेलेंट बॉन्ड में जो कि कोऑर्डिनेशन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कि ओवरलैप एक भाग है। तो ओवरलैप मेजर जब पढ़ा जाता है तो रीजन यह है कि जो ओवरलैप होता है उस ओवरलैप की वजह से या उस ओवरलैपिंग की वजह से जो कि एटम है या उस एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स होता है उस पर जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यह डिपेंड करता है आखिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है। तो इस टॉपिक को इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए ओवरलैप क्या होता है। जब इस तरह से अगर एक ऑर्बिटल अगर कोई दूसरे ऑर्बिटल के साथ अपनी जो अर्धपूरित कक्षक है इस तरह से, या तो इसे इस तरह से लिख ले अगर ये ऑर्बिटल है या कक्षक है जिस पर जो कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह आपस में मिले और मिलने के बाद जो कि इस तरह से यहां पास बॉन्ड बन जाए, इस बॉन्ड को जो कि कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो आपस में ऑर्बिटल मिलता है तब इस प्रक्रिया को जो कि ओवरलैपिंग कहा जाता है। अगर यहां पास इसकी टाइप से की बात करें ओवरलैपिंग का, तो देखिए ओवरलैपिंग हम लोग यही बोले हैं कि जब दो परमाणु अपनी अर्धपूरित ऑर्बिटलों का आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तब उसे ओवरलैप कहा जाता है। इनकी टाइप से की बात करें तो यह जो कि तीन प्रकार के होता है। फर्स्ट नंबर बात कर ले एस ओवरलैपिंग, सेकेंड नंबर बात कर ले एसपी ओवरलैपिंग, थर्ड नंबर की बात कर ले जिसे पीपी ओवरलैपिंग कहा जाता है। और यह जो पीपी ओवरलैपिंग होता है वह जो कि दो प्रकार के होता है, एक पीपी साइडवाइज ओवरलैपिंग और एक होता है पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर की बात कर ले एस एस ओवरलैपिंग की, तो एस एस ओवरलैपिंग में होता इस तरह से है कि एक परमाणु का इस तरह से एस ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु का जो एस ऑर्बिटल होता है दोनों के दोनों ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन है वहां अर्धपूरित होता है और इस अर्धपूरित ऑर्बिटल आपस में मिलता है जिसके वजह से एक इस तरह से आपस में जो दोनों जुड़ जाता है तब यह जो कि एस ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल और यह जो कि एस एस ओवरलैपिंग कहलाता है। यह एक तरह से एटम है, यह भी एटम है और इससे जो कंपाउंड बनता है वह जो कि मॉलिक्यूल्स बनाता है और मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद यहां पास जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि इसकी नेचर दो तरह से बॉन्ड क्रिएट करता है, एक बॉन्ड को जो कि सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है जिसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है और एक बॉन्ड को जो कि पाई बॉन्ड कहा जाता है जिसे इस तरह से पाई से डिनोट किया जाता है। और इस तरह से जब एस एस ओवरलैपिंग होता है तब इस पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उस कोवेलेंट बॉन्ड पर जो कि सिग्मा बॉन्ड जो कि फॉर्मेशन होता है। इसकी एग्जांपल की बात कर ले तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है, हाइड्रोजन टू के देख ले, हाइड्रोजन टू में होता है इस तरह से है, जो एक हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस एन वन होता है और एक और हाइड्रोजन है जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एस एन वन होता है। तो यहां से जो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल आपस में जुड़ता है जिससे हाइड्रोजन टू बनाता है,
तब इस तरह से जो हाइड्रोजन है वह जो कि आपस में जुड़कर कोवेलेंट जो कि सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है और इसकी जो ओवरलैपिंग होता है वह एस एस ओवरलैपिंग होता है। सेकेंड नंबर की बात कर ले जिसे एसपी ओवरलैपिंग कहा जाता है। अगर इस तरह से बात करें यहां पास कि अगर एक परमाणु है उस परमाणु का एस ऑर्बिटल जो अर्धपूरिट है और दूसरे परमाणु का जो कि पी ऑर्बिटल जो कि अर्धपूरिट है दोनों आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तब इस तरह से यहां पास जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और यहां पास दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। यह जो कि एस ऑर्बिटल यह पी ऑर्बिटल और यह जो कि एस पी ओवरलैप कहलाता है। यहां पास जो एस और पी के मिलने से जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है उनकी जो नेचर होता है वह जो कि सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है। वैसे ही अगर पी पी ओवरलैपिंग की बात कर ले तो यह जो पी पी ओवरलैपिंग होता है वह दो प्रकार के होता है। एक को बोला जाता है जो कि सिड्स ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक को जो कि बोला जाता है जिसे साइड वाइज ओवरलैप कहा जाता है। अब हमें पता है पी ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप का होता है तो इस तरह से जो पी ऑर्बिटल है हेड ऑन के लिए यह पी ऑर्बिटल और यहां से एक और पी ऑर्बिटल जब अपनी आपस में ऑर्बिटल की जो अर्धपूरित है उसे जो कि मिलाता है जिससे यह पी ऑर्बिटल इस तरह से जो कि बना लेता है तब यहां पास जो कि अर्धपूरित ऑर्बिटल जुड़ता है जिससे पूर्णपूरित हो जाता है और कोवेलेंट बनाता है जिससे जो कि सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है। वैसे ही बात कर ले यहां पास जो साइड वाइज ओवरलैपिंग की तो इस तरह से पी ऑर्बिटल जो कि साइड वाइज है और यह पी ऑर्बिटल एक और एटम है जब दोनों आपस में इस तरह से जुड़ता है जिससे यह इस तरह से ऑर्बिटल जो कि बना लेता है तब यहां पास जो कि पाई बॉन्ड क्रिएट होता है जो कि साइड वाइज होने से पाई बॉन्ड क्रिएट करता है और यह जो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है वह इस जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसकी जो कि नेचर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसकी एग्जांपल की बात कर ले इस तरह से अगर ऑक्सीजन 2 है उन्हें देखें तो इस तरह से जो ऑक्सीजन होता है दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है जिससे से O2 बनता है और O2 जो बनता है इन O2 पर जो कि डबल बॉन्ड होता है एक जो कि सिग्मा बॉन्ड और एक जो कि पाई बॉन्ड होता है। अगर इसकी ओवरलैपिंग की बात करें तो पी ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह 1s2 2s2 और 2p जो कि 4 होता है क्योंकि उस पर 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इस पी ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन की बात कर ले तो इस पर भी 1s2 2s2 और 2p 4 होता है। यह जो कि ऑर्बिटल फुलफिल है इस ऑर्बिटल की बात करें जो कि 6 है होना 8 चाहिए था और इसके बाद जो सेल है उनकी बात करें तो यह सेल जो कि पी ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल है तो इस तरह से जो पी ऑर्बिटल है जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो कि 4 है यहां पास और बात करें पी ऑर्बिटल पर इस पर भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो कि 4 है तब होता इस तरह से है। अगर इसकी बात कर ले तो यहां XYZ है यहां पास XYZ है और इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से भी बनाया जा सकता है जो पी ऑर्बिटल होता है इस तरह से है सेकेंड ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल की बात कर ले तो यह भी इसी तरह से है। यह जो कि एक्स वाई और जो कि जेड है इस पर होता इस तरह से है यहां से जब एक्स ऑर्बिटल आपस में जुड़ता है जो कि साइड वाइज जो कि हेड ऑन ओवरलैप रहता है
जो कि पीएक्स पीएक्स ओवरलैप होता है, जिसे पीपी ओवरलैपिंग कहा जाता है, जिस पर जो कि सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है। वैसे ही जब इस तरह से वाई ऑर्बिटल की बात कर ले तो वाई ऑर्बिटल जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है, जिससे यहां पास पाई बॉन्ड क्रिएट होता है, यहां पास पी वाई और पी वाई ओवरलैपिंग होता है, जिसे पीपी ओवरलैपिंग कहा जाता है, जिस पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड क्रिएट होता है, एक्स के साथ जो कि सिग्मा बॉन्ड और वाई के साथ जो कि पाई बॉन्ड, इस तरह से वह फॉर्म करता है। वैसे ही अगर N2 की बात कर ले तो नाइट्रोजन के बीच पर जो कि तीन बॉन्ड होता है इस तरह से, और नाइट्रोजन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है, जिसे 2N5 लिखा जाता है। और इस 5 इलेक्ट्रॉन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 2H2 और इस तरह से जो 2P3 लिखा जाता है, इस पर भी जो कि 2P यहां पास 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अगर पी ऑर्बिटल की बात कर ले तो इस पी ऑर्बिटल को भी इस तरह से XYZ जो कि इसी तरह से लिखा जा सकता है। तब यहां पास जो कि 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं XY और Z पर, XYZ पर, तो यहां से जब ओवरलैप किया तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनाया जो कि पीपी ओवरलैपिंग रहा, यहां पास जब जुड़ा तो यहां पाई बॉन्ड बनाए हैं, और यहां पास जब बॉन्ड फिर से जुड़ा है तब भी यहां पास पाई बॉन्ड बनाए हैं, जिस पर 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड जो कि क्रिएट करता है। तब इस तरह से इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पास इस तरह से बात कर लें कि जो बॉन्ड बना है सिग्मा और पाई बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ की बात कर लें इस तरह से, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, देखिए जो इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ किसका अधिक है या कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक बात तो यहां पास होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह कंपेयर टू पाई बॉन्ड के जो कि स्ट्रांग अधिक होता है। इसकी रीजन इस तरह से है, अगर इस तरह से जो सिंगल बॉन्ड बना है तब जो सिंगल बॉन्ड होता है उस सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड जो कि रहता है। वैसे ही अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वह डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, और जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तब उस पर एक जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है और उसके साथ साथ एक जो कि पाई बॉन्ड भी बनता है। इसकी थर्ड नंबर बात करें, अगर इस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वह ट्रिपल हो तब उस पर जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है वह एक बनाता है, और जो पाई बॉन्ड है वह जो कि 2 पाई बॉन्ड क्रिएट करता है। अगर इनकी नोट की बातें करें तो यहां पर देखें सिंगल बॉन्ड में जो कि सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हुआ है, डबल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा और एक पाई क्रिएट हुआ है, सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा और उसके बाद जो कि 2 पाई बॉन्ड क्रिएट हुआ है। तो इनकी मेन नोट ये दिखता है हमको कि जो पाई बॉन्ड है वह हमेशा पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ रहता है। नोट नंबर सेकेंड इस तरह से कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वह सिंगल नहीं हो सकता, यही कारण है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वह ज्यादा स्ट्रांग है और पाई बॉन्ड जो होता है वह जो कि वीक होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो कि सिंगल नहीं रह सकता है और जो सिग्मा बॉन्ड है वह सिंगल रह सकता है, इसी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो कि पाई बॉन्ड के कंपेयर में ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहां पर बात करते हैं
डिफरेंट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में अंतर की बात करें। तो सबसे पहले यहां पास सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे और पाई बॉन्ड के बारे में इनकी अंतर बात करते हैं। देखिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण होता है, और जो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वह जो कि साइड वाइज के वजह से जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहां पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है जस्ट बोले हैं एक्सियल, या तो उसे हेड ऑन ओवरलैपिंग कहा जाता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वह जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग या जो पी पी ओवरलैपिंग है उसके जो कि एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से होता है। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड जो रहता है वह पी पी के जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। बात करें यहां पर सिग्मा बॉन्ड की, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह जो कि स्ट्रांग होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वह वीक होता है। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बना है उस पर जो ओवरलैपिंग होता है वह अधिकतम होता है, और अधिकतम ओवरलैपिंग के वजह से यहां पास जो बॉन्ड होता है वह स्ट्रांग होता है। पी बॉन्ड की बात, पाई बॉन्ड की बात करें तो वह वीक होता है, क्योंकि यहां पास जो ओवरलैप होता है वह जो कि न्यूनतम होता है, जिसके वजह से जो पाई बॉन्ड है वह वीक होता है। फोर्थ नंबर की बात करें तो जो एस एस ओवरलैपिंग होता है उस एस एस ओवरलैपिंग से सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है, और एस एस ओवरलैपिंग से जो कि पाई बॉन्ड वह नहीं बनाता है। नेक्स्ट नंबर बात करें फाइव नंबर पर, तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है जिससे जो कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, इस तरह से अभी बात करें हैं एक्सियल ओवरलैपिंग की, तो यहां पास इस तरह से पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो कि एक्सियल दिख रहे हैं, और वैसे ही अगर इस तरह से पी ऑर्बिटल और इस तरह से पी ऑर्बिटल है या जो कि साइड वाइज है, और यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, तो वहां पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जहां पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होता हो, यहां पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों पर अधिक है, वह इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पास जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वहां पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ और सिर्फ एक होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनाता है वहां पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वह दो होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यह है सेकेंड नंबर की इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि इस तरह से है। सिक्स नंबर की बात करें, जो इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग होता है वह जो कि फेस ऑन ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, जिसके वजह से जो ऑर्बिटल है वह सॉलिड होता है जो कि कठोर होता है, और सॉलिड कठोर होने की वजह से जो बेलन जैसी आकृति बना है उनकी जो रोटेशनल है वह अच्छे से होता है। सपोज या एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर लिया तब यह एक रिजिड बन गया जो कि रोटेशन देगा। अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो यह ओवरलैपिंग जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग रहेगा इस तरह से, तब वह जो कि खोखला रहेगा जिसके वजह से वह रोटेशनल संभव नहीं है। सेवन नंबर की बात करें, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वह फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है वह जो कि पाई बॉन्ड बनाता है, तब इस तरह से इसकी जो अंतर है इसे पढ़ा जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।